हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोड इन 10। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारा फर्स्ट C++ प्रोग्राम के बारे में। अब इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि तुम विजुअल स्टूडियो कोड अगर तुम्हारे पास मैक या लिनक्स या फिर विंडोज है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हम अपना फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, जो भी तुम ब्राउजर यूज करते हो उस ब्राउजर को तुम्हें खोलना है। ब्राउजर को खोलने के बाद क्या करना है, तुम्हें लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, सर्च कर देना है। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी core.visualstudio.com, उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने का तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये डाउनलोड स्टार्ट होने के साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी है, हमें एक GCC कंपाइलर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम C++ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। C++ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए GCC ऑन विंडोज़। तुम्हारा कंपाइलर होता है जो तुम्हारे C++ वाले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सी वाले होते हैं, उनको कंपाइल करता है। कुछ नहीं करना है हमें, सेम चीज़ करनी है यहाँ पे, जो प्री रिक्वेजिट्स हैं सारी चीज़ों को बारी बारी फॉलो करते रहना। हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया है, इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो जो जैसे जैसे दे रखा है बस नेक्स्ट 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 करते जाओ और इसको इंस्टॉल कर दो। अपना विजुअल स्टूडियो कोड हो गया इंस्टॉल। ठीक है, ये हमारा ऐसा लुक होता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशंस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। हम बस C++ वाली हमें करनी होगी इंस्टॉल। C++ पे हमने सर्च किया, सबसे पहले आएगी माइक्रोसॉफ्ट वाली 32.5 मिलियन डाउनलोड्स, इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा एक और चाहिए होती है हमें रन, जो हमारा रनर होता है। ठीक है, ये हमें रन करने में हेल्प करता है, ये भी इंस्टॉल कर लेंगे। दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली। ठीक है, डॉट रन वाला इज़ क्वाइट यूज़फुल, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपना GCC इंस्टॉल करना है। GCC इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे MSYS2 को पे क्लिक करेंगे। ये फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, बस जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड MSYS2 जब ओपन हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली कमांड रन कर देनी है। ठीक है, हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। फिनिश पे क्लिक करा, हमारा ये खुल गया। हमें क्या करना है, कमांड कॉपी करनी है, यहाँ पेस्ट कर देनी है और इसको रन कर देना है। अब ये बोल रहे हैं जो जो सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, एंटर सेलेक्शन। अब हमें कुछ भी ऐसे अलग नहीं करना, बस एंटर कर देना है, डिफ़ॉल्ट वाले सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें वाइप करके यस कर देना है, तो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा डाउनलोड करके। जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 25K हिट करने हैं काफ़ी 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 जल्दी। तो तुम्हारा सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपना ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, ये करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट क्या करना है यार, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, हमें पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के लिए अगर हमने सेम चीज़ फॉलो करी है तो बस ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है, अपनी फाइल एक्सप्लोरर पे जाके दिस पीसी में जाके लोकल डिस्क सी में जाना है। MSYS, ठीक है, MinGW, बिन फोल्डर, और बिन फोल्डर का पाथ हमें यहाँ पे कर लेना है कॉपी। ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाना है दिस पीसी में और इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल टाइप करेंगे तो ये अपने आप ही दिखा देगा एनवायरनमेंट वेरिएबल एडिट करने का। एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाथ पे क्लिक करेंगे और तुम यहाँ पे देख सकते हो ये पहले से मेरा पाथ एडिड है। तुम्हारा एडिड ना हो तो तुम्हें क्या करना है, न्यू पे जाना है और इसको पेस्ट कर देना है और तुम्हारा ऐड हो जाएगा। ओके कर देना। अब मेरा एडिड है तो दोबारा ऐड नहीं करते हैं, इसको जाके डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अपना ये वाला पूरा काम ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा ये वाला पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अब अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाते हैं तुमसे C++ का। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये रनर पे क्लिक कर देना है और हमारा ये रन हो जाएगा। और तुम देख सकते हो यहाँ पे कोड इन 10 फॉर्म हमारा आ चुका है। दैट मीन्स हमारे में C++ इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने C++ में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया। हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया इसमें क्या लिखा है, कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। बस हमने क्या करा है, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होते हैं, वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में हम समझाने वाले हैं। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, अगर तुम्हें इसके अलावा लिनक्स में इंस्टॉल करना है, फिर तुम्हें इसके अलावा मैक में इंस्टॉल करना है, तुम्हें बस क्या करना है, VS Code Mac सर्च कर देना है। ठीक है, ये रनिंग विजुअल स्टूडियो ऑन मैक पे आ जाएगा और यहाँ पे बस जाके तुम्हें ये इंस्टॉल मार लेना है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी बस फॉलो कर लो, विंडोज़ के लिए यहाँ पे या लिनक्स के लिए यहाँ पे है, तुम्हें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। ये सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इस वाली सीरीज में नेक्स्ट हम काफी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड में हम SQL भी पढ़ेंगे, तो SQL में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे जो तुम्हारे एक्चुअली टेस्ट, कोडिंग टेस्ट एंड सारी चीज़ों में यूज हो रही होती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।